हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि यमी टमी किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ, आज हम मूंग दाल का चीला बना के तैयार करेंगे, जिसको हम पनीर की स्टफिंग भी करेंगे। और बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाते हैं। अगर बच्चे आपके यहाँ मूंग की दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको इस तरह बना के दीजिए चीला, वो ज़रूर बड़े प्रेम से खाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली है, जो धुली हुई मूंग की दाल होती है, मैंने वो वाली दाल ली है 1 कप। इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। तो देखिए, 3-4 घंटे के बाद ये ऐसे भीग के ये बड़ी हो जाती है और बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इसको मैंने एक छलनी में निकाल लिया है, पानी सारा ड्रेन आउट कर दिया है। फिर इसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें अपनी पूरी दाल को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। मेरे पास अभी अदरक नहीं थी, मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे यहाँ ज़्यादा अदरक आ जाती है तो मैं अदरक को कद्दूकस करके इसको फ्रीजर में आइस क्यूब जमा के रख लेती हूँ, तो ये मेरे बड़े काम आती है। तो आज मेरे पास अदरक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये वाली अदरक यूज़ कर ली है। और 2 मैंने डाल दिए हैं इसमें हरी मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 2 पिंच मैंने इसमें हींग डाल दिया है, ताकि ये दाल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। फिर आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिएगा और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको हम हल्का सा मोटा ही पीसेंगे। देखिए इस तरह, बिल्कुल एकदम हमें बारीक भी नहीं करना और इसको बहुत ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं रखना है। फिर हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से फेंटेंगे, ताकि हमारी दाल थोड़ा हल्की हो जाए और इसमें थोड़े एयर बबल्स आ जाएँ। फिर जो मिक्सी के जार में हमारे थोड़ी दाल बची रह गई थी, उसको भी मैंने पानी से धुल के निकाल लिया है। फिर हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे, जितना पानी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बना के इसको हम साइड में रख देंगे। फिर चलिए हम लेते हैं पनीर। ये मैंने घर में बनाया है पनीर। घर में पनीर कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने इस पनीर को कद्दूकस कर लिया है। देखिए इसी तरह मैंने सारा अपना पनीर कद्दूकस कर लिया है। फिर इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है जीरे, भुना जीरा का पाउडर, जो मैं भून के पीस के रख लेती हूँ। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर मैंने इसमें 1 मुट्ठी डाल दिया है हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। चलिए अब हमारी तैयारी पूरी हो गई है, चलिए अब हम अपने चीले बनाने तैयार करते हैं। ये चीले जैसे आप शादियों में आप इनको खाते हैं, शादियों में आप भीड़ में खड़े होकर खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा इन चीलों में भी। इसके लिए मैंने तवे को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको एक टिश्यू पेपर से वाइप कर दिया है। फिर हम इसमें 1 स्पूनफुल हम इसमें डालेंगे अपना ये बैटर दाल का, और इसको हम डोसे की तरह फैला देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हम चीला बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, ऊपर से सूखा सूखा लगने लगे, तब हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसको हम हल्का सा पलट देंगे। अगर आप हल्का सा क्रिस्पी चीला खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह पलट सकते हैं, वरना आप इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। फिर हम इसमें पनीर की स्टफिंग करेंगे। तो पूरे में मैंने इसको पनीर के मिश्रण को अच्छे से फैला दिया है। फिर हम इसको रोल कर देंगे। देखिए हमारा चीला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसको किसी नाइफ़ या फिर किसी पिज़्ज़ा कटर से हम इसके पीसेस कर लेंगे। इससे बच्चों को खाने में बहुत आसानी हो जाती है, वो इसके पीसेस उठा उठा के चटनी में डिप करके आराम से खा पाएंगे।
आप इनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किसी में भी बनाएं, ये अपने आप में एक पूरा मील है और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने इसको सर्व किया है मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ। इन दोनों के भी वीडियो मेरे चैनल पे हैं। मैंने मीठी चटनी आमचूर से कैसे बनाते हैं, मैंने आमचूर वाली चटनी का वीडियो शेयर किया है आपके साथ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मेरी बेटी को तो ये लंच बॉक्स में बहुत पसंद आते हैं, मैं तो उसके स्कूल लंच बॉक्स में ही अक्सर उसको बना के देती हूँ। इसी तरह हम और भी अपने चीले बना लेंगे। देखिए फिर हम इसमें पूरे में पनीर फैला के, आप चाहें तो इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसका रोल नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आप पनीर की स्टफिंग करना नहीं चाहते तो आप इनको बिना पनीर के भी सर्व कर सकते हैं। ये बिना पनीर के भी चटनी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए मैंने कुछ चीले बिना पनीर की स्टफिंग के भी बनाए थे। मुझे थोड़ा क्रिस्पी चीले पसंद है इसलिए मैं थोड़ा क्रिस्पी बना रही हूँ। अगर आपको सॉफ्ट पसंद हो तो आप थोड़ा इनको क्रिस्पी कम करिएगा। तो लीजिए हमारे बहुत ही हेल्दी मूंग दाल चीला बनके तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।